Dear students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 36 of class 10th mathematics. This worksheet is for 1st October 2021. Today our topic is area of sector of a circle. First of all, what is sector? Sector of a circle, the portion of a circular region enclosed by two radii and corresponding arc is called sector. इसमें देखे, इस फिगर में देखे, ये जो है आपके पास क्या, ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो दो रेडियस और उसके बीच जो आर्क है उससे मिले हुए एरिया को ही हम सेक्टर कहते हैं। तो ये आप देखिए, ये जो है छोटा वाला एरिया माइनर सेक्टर है, ये इसको माइनर सेक्टर कहेंगे, माइनर माइनर सेक्टर। और जब ये भी तो दो आर्क, एक आर्क, एक रेडियस और दूसरा रेडियस और ये करस्पॉन्डिंग आर्क से बना हुआ एरिया है, ये भी एक तरह से सेक्टर ही है। तो ये मेजर मेजर सेक्टर, ठीक है। इसमें जो टोटल एंगल यहां पे बनता है 360 का बनता है, 360 का, और इसमें से ये थीटा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो इसका जो इस साइड का जो एंगल होगा सेंट्रल एंगल 360 माइनस थीटा, यहां पे दिया हुआ है रीजन ऑफ इन येलो कलर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज थीटा। ब्लू रीजन इज कॉल्ड मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर इज 360 माइनस थीटा। टू स्पेशल टाइप के सेक्टर भी होते हैं जिसको ये भी, ये दो रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में बना हुआ क्षेत्र है तो इसको सेमी सर्कल के नाम से जाना जाता है, और ये क्वाड्रेंट, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कहा जाता है। ये टू टाइप्स, स्पेशल टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट है, स्पेशल टू टाइप्स ऑफ सेक्टर है जिसको सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट नाम दिया गया है। आप कुछ एग्जांपल भी देखे होंगे इस तरह से डेली लाइफ में, ये झूला आप भी झूले होंगे, तो ये जो दो ट्रॉली के बीच में जो बना होता है एरिया एक सेक्टर के रूप में होता है, पिज्जा का ये स्लाइस या पैकमैन का ये जो एरिया है वो माइनर सेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। और ये आप स्टैटिक्स में पाई चार्ट बनाए होंगे तो ये भी एक सेक्टर ही निर्माण कर रहा है। अब आइए सेक्टर का हम कैसे एरिया ज्ञात करते हैं उस पर बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर, देखिए ये फिगर बना हुआ है, ग्रीन कलर में मेजर सेक्टर है और पिंक कलर में माइनर सेक्टर है। जब तक आपसे मेजर सेक्टर की बात न की जाए तब तक इसका मतलब होता है, सेक्टर मीन्स होता है माइनर सेक्टर, सेक्टर मतलब जहां सेक्टर की बात, ओनली सेक्टर की बात की जा रही हो तो वहां माइनर सेक्टर की बात होती है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, आर रेडियस है और ओ पे सेंटर है, थीटा इसका एंगल मान लीजिए है, तो ओ ए पी वी यानी ओ ए पी बी ये माइनर सेक्टर हो गया। तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं जो कि ये जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये भी पता है जो कि इस पे एंगल कितने डिग्री का होता है। आपने डी देखा होगा, डी इस तरह से होता है, उस पे आपने देखा होगा जो कि 180 तक होता है, और दो डी को मिलाइए तो एक सर्कल बन जाता है, तो यानी 180 प्लस 180 कितने हो गए 360, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है टोटल। तो नाउ बाय अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड द एरिया ऑफ सेक्टर एओपीबी इज फॉलोड व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर इज 360 यानी टोटल एंगल, सेंट्रल एंगल 360 है तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब एक डिग्री एंगल हो तो वो
पाई आर स्क्वायर बाय 360 हो जाता है। जब थीटा एंगल हो तो थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इससे फॉर्मूला बना थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका सेक्टर के एरिए का फॉर्मूला। अब मेजर सेक्टर की बात की जाती है तो टोटल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाता है। अब एग्जांपल के रूप में इसको बताया गया है, देखिए इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री, यानी थीटा आ गया आर आ गया एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर की निकालने के लिए कह रहा है तो मेजर सेक्टर को आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, यदि वैसे भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का जो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखिए थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, यहां स्क्वायर है पाई आर टू नहीं पाई आर स्क्वायर, तो थीटा यानी 60 अपॉन में 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और 21×21, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर जो होगा जिस वो आता है 1386 में से 231 सब्सट्रैक्ट किए तो डबल मतलब 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब आइए कुछ हम सवाल करने के लिए दिया जाते हैं ट्राई योर सेल्फ के अंतर्गत, तो आइए सवाल हल करने का प्रयास करें। यहां पे दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो आर दिया हुआ है 4 हो गया, सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। तो आप पहले सेक्टर का यानी माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा यानी 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कह रहा 3.14 रखे 3.14 और इसको आर की वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 4, तो इसको करेंगे तो ये 12 जा होता है और 12 3 जा ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 12 अपॉन में और ये 56 अपॉन में 3, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है 4.19 93 57 अप्रोक्सीमेटली ये सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, पूरी तरह से ना कटे तो अप्रोक्स लिख दे, ठीक है। अब मेजर सेक्टर तो निकल गया, अब माइनर सेक्टर का माइनर सेक्टर निकल गया तो मेजर सेक्टर का एरिया निकाले, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो हम ज्ञात करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस ये 4.14, तो पाई की वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 4 और माइनस 4.19 है, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आता है 50.24 आता है, ये माइनस 4.19 जिसको सॉल्व करने के बाद 46.04 इसका 05 इसका आंसर आता है, और ये अप्रोक्स था तो ये भी अप्रोक्स होगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, तो क्वाड्रेंट का क्या होगा 1/4 क्योंकि 1/4 है सर्कल का, या 90/360 भी लिखेंगे तो भी 1/4 ही आएगा, 1/4 इंटू पाई और आर के बदले क्या है 4 2 इंटू 2
टू इंटू टू, जिसको सॉल्व करने के बाद टू टू जब फोर कट जाएगा तो यानी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू भी दे सकता है 22/7 भी दे सकता है इसके बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, या 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकता है। ऑप्शन में जो भी रहे वो आपको लगाना है, तीनों सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहां पे दिया हुआ अ कार हैज टू वाइपर्स नेवर ओवरलैप, यानी वाइपर इस तरह से, ये इस तरह से एक है और दूसरा भी ऐसे ही करके है, तो ये ओवरलैप एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो कह रहा है जो कि ईच वाइपर हैज लीड 25 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर में 25 हो गया, और सेंट्रल एंगल थीटा इजकल टू 3115, ऐसे ऐसे टू है तो एक ही साथ आप मल्टीप्लाई कर ले, जिससे क्योंकि कम एरिया में आपको जल्दी कम समय में आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए एक वाइपर क्या क्या हो जाएगा, थीटा अपन में 360 यानी 115 अपन में 360, और इंटू जो है पाई की वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो 3.14 लगा ले यहाँ पे, और आर की वैल्यू आप यहाँ पे 25 दिया हुआ है तो 25 × 25 करें। तो ऐसे ऐसे दो है तो एक ही साथ आप दो को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, अब टू से करते हैं तो ये 180 आता है, और इसको करेंगे 5 से, तो 5 से यदि करते हैं तो ये आपका आ जाता है 23, और ये आ जाता है 36। फिर आप इसको करें तो 4 जा, एक बार 2 से इधर से कर लें तो ये हो जाता है 157, और 2 रह गया, तो यानी ऊपर में क्या रह गया, ये 23 × 157 × 25, और नीचे में आ गया 72, जिसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज इतना सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्लॉक दिया हुआ 5 मिनट के लिए पूछ रहा है, तो एक क्लॉक में कितने मिनट होते हैं, पूरा सर्कुलर ही है, एक सर्कल बन जाता है, इसमें टोटल बनता है 60 मिनट, और उसमें से 5 मिनट का पूछ रहा है, उसी मतलब दोनों एक ही में, वहां पे डिग्री में बात की गई थी तो डिग्री 360 होता है, यहाँ पे मिनट की बात की गई है तो यहाँ दोनों को मिनट में रखे, और इंटू 22/7 और इंटू 14 × 14, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 जा होता है, और 72 जा ये होता है, और इसको करेंगे तो 6, और एक बार और तो 3, और ये हो जाएगा 11। 11 को 14 से करेंगे तो 154/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 51/3, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, धन्यवाद, हैव अ नाइस।